हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहास टाइनी वर्ल्ड। होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी बनाना स्टेम का रेसिपी, और उसको कैसे काटना होता है, क्लीन करना होता है, वो भी मैं बताऊंगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने एक पार्ट ले लिया है बनाना स्टेम का, और ये कल का है इसीलिए थोड़ा इसमें कलर हो गया, बट इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसको कट कर लेंगे। तो इसको पहले पीसेज में कट कर लेंगे। ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है। सो मैंने पीसेस को कट कर लिया है। अब एक पीस लेंगे और इसमें एक जाली सा निकलता है उसको निकाल लेंगे चाकू से। इसका कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं साइड का जो छिलका है वो उसको मैं क्लीन कर ले रही हूँ, क्योंकि मेरा वाला थोड़ा बाहर से ख़राब जैसा होने लगा था। आप चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, बट ये जो जाली सा रहता है इसको ज़रूर से निकालिएगा। तो मैंने सारा का क्लीन कर लिया है। अब इसको छोटा छोटा क्यूब्स में कट कर लेंगे। सो मैंने सारा कट कर लिया। अब इसको वॉश कर लेंगे अच्छे से। अब इसको बॉईल कर लेंगे। उसके लिए कढ़ाई में पानी ऐड कर रही हूँ मैं, 2 ग्लास जितना। अब इसमें ऐड कर देंगे कट किया हुआ बनाना स्टेम। उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी ऐड करेंगे और इसको कुक कर लेंगे जब तक ना ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, इससे जो इसका कस होता है वो भी निकल जाएगा। सो मैंने ऑलमोस्ट इसको 10 मिनट जितना कुक कर लिया है, और देखिए पानी भी ड्राई हो गया है और जो बनाना स्टेम है वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तब इसको स्टेन कर लेंगे। अब कुक करने के लिए कढ़ाई में मैं ऐड कर रही हूँ 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल। तेल अच्छे से हीट कर ली हूँ। अब इसमें 2 मीडियम साइज प्याज को क्यूब्स में कट करके ऐड की हूँ, और 2 तेज़पत्ता भी ऐड कर दे रही हूँ। और इसको मैं हल्का सा कुक कर लूँगी। सो देखिए ये ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, और मैं इसको भी 1 मिनट के लिए सॉटे कर लूँगी। अब इसमें 1/2 चम्मच हल्दी, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे, और 1.5 चम्मच जितना जीरा धनिया और काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ऐड करके मसालों को अच्छे से भून लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके 3 से 4 मिनट के लिए। मसालों को अच्छे से भुनना है, इससे जो टेस्ट है वो अच्छा आएगा। सो देखिए मसाला अच्छे से भुन गया। अब इसमें मैं बनाना स्टेम को ऐड कर दूंगी और इसको भी मैं भून लूंगी मसालों के साथ 3 से 4 मिनट के लिए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके। फ्लेम को इस टाइम पे रखेंगे मीडियम टू हाई। बनाना स्टेम को बंगाली में थोर भी कहा जाता है। आप लोगों के लैंग्वेज में क्या बोला जाता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो अच्छे से ये कस गया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी सॉफ्ट हो चुका है, बस इसको कुक करना है, इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। पानी में बॉईल आ गया, तो अब इसको ढक के कुक कर लेंगे 10 से 15 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम में। ढक्कन को खोलेंगे, देखिए इसमें एकदम हल्का सा पानी रह गया। तो इस स्टेज में मैं ऐड कर रही हूँ चॉप किया हुआ हरी मिर्च। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं अगर आपको तीखा नहीं पसंद हो तो। और मैं इसमें 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और फिर से इसको ढक के लो फ्लेम में छोड़ दूँगी 5 मिनट के लिए। अच्छे से ड्राई हो गया है और तेल सेपरेट हो गया है, तब इसको निकालेंगे एक प्लेट में। सो बनाना स्टेम का सब्ज़ी तैयार है। आप लोग के वहाँ पे कैसे इसको बनाया जाता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।